किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में। पुराने लहसुन का रस दिन में 2-3 बार लगाने से दाद में शीघ्र लाभ होता है। लहसुन को जलाकर उसकी भस्म शहद में मिलाकर दाद पर लगाने से दाद मिट जाता है। अगर जोड़ों का दर्द हो तो 4-5 कली कच्चा लहसुन प्रतिदिन खाने से जोड़ों का दर्द एवं सूजन खत्म हो जाता है। यदि दिल की धड़कन अनियमित हो जाए या जी मिचलाने लगे तो लहसुन की 4 कलियां चबाकर खा जाए, इससे शीघ्र आराम मिलता है। अगर बालों में रूसी हो तो लहसुन की 2-4 कलियां पीसकर बालों में लगाएं, कुछ ही दिनों में समस्या दूर हो जाएगी। 2 चम्मच कच्चे आंवले के रस के साथ 1-2 कली लहसुन पीसकर खाने से स्त्री पुरुष दोनों को यौन शक्ति के लिए फायदा होता है। लहसुन एवं हींग एक कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में बांधने से बेहोशी के दौरे में फायदा होता है। कुत्ते के काटने पर लहसुन पीसकर काटे स्थान पर लेप लगाएं तथा लहसुन का क्वाथ 7 दिन तक पिलाएं, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लहसुन की कलियां काटकर सरसों के तेल में पकाकर कंठ तथा कनपट्टी में लगाएं, 2-3 बार में ही सर्दी खांसी में आराम हो जाएगा। अगर मुहासे हो तो लहसुन का लेप लगाने एवं खाने से मुहासे दूर हो जाते हैं एवं इनका दाग तक नहीं रहता। अगर बालों में जुए हो तो लहसुन पीसकर नींबू के रस में मिलाकर रात को सोते समय सिर पर मलकर प्रातः सिर धोएं, 1 सप्ताह के प्रयोग से रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अगर गंजापन हो तो कुछ दिनों तक दिन में 2 बार लहसुन का रस लगाकर सूखने दें, 2-3 महीने तक करने से गंजे स्थान पर बाल उगाएंगे। अगर दांतों की बीमारी हो तो 10 ग्राम शहद में 15-20 बूंद लहसुन का रस चाटने से पायरिया, मसूड़े में सूजन, दर्द एवं दांतों की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।